तो हमारे अगर हम फॉर्मूलाज की बात करें तो हमारे कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। टेन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स और वन अपॉन कॉट एक्स। सिमिलरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉट एक्स, इट कैन बी राइट एज कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स और इट कैन बी वन अपॉन टेन एक्स। वाइल इन केस ऑफ साइन एक्स इट कैन बी राइट एज वन अपॉन कॉसेक एक्स, इन केस ऑफ कॉज एक्स वी कैन राइट वन अपॉन सेक एक्स। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक एक्स इट कैन बी राइट एज वन अपॉन कॉज एक्स एंड कॉसेक एक्स इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स। ये आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा। अब आगे क्या बात करनी है, आगे किस तरीके से स्टार्ट होता है, हमारे किन चीज़ पर डिपेंड करती है ट्रिग्नोमेट्री, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेंट क्या होता है, क्या होता है क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो एक्सेस होती हैं, इस तरीके से आपको पहले भी पढ़ाई गई होंगी, इसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे आप वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। कुछ लोग इसको रियल एक्सिस कहते हैं और इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री मूव करती है, यानी ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से वर्क करती है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो ये इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, इसकी बात करें तो ये थर्ड होता है और इसकी बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको क्लियर हो रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जबकि हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं और इनके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर बात करें तो सेक और कॉज ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब सर ये याद कैसे रहे, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो इसको हम याद रखते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सर मतलब देखिए, ए फोर ऑल, एस फोर साइन कॉसेक, टी फोर टेन कॉट और सी फोर कॉल सेक, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है दैट इज पाई अपॉन टू, यानी कि 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक अगर पाई बाई टू है तो यहाँ से यहाँ तक भी पाई बाई टू होगा, तो ये सब मिला के कितना होता है पाई। पाई में ये थ्री पाई, फिर पाई बाई टू जोड़ा तो ये आता है आपका थ्री पाई अपॉन टू, और ये यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है टू पाई। और ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यूटी में मूव करती रहती है और ये आगे बढ़ते रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग थिंग क्या है वो आपको मैं क्लियर करता हूँ और आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कल को मैं कहीं पर आपसे कहूँ एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, साथ में बताता हूँ, नोट के तौर पर लिखिएगा आप इसको कि नोट क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, विल चेंज एट पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू ईटीसी। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज और विल नॉट चेंज एट पाई टू पाई, कुछ इस तरीके से, यानी कि इन पर चेंज नहीं करते और इन पर चेंज करते हैं। तो देखिएगा हम किस तरीके से सीखेंगे कि मैं कल को आपको लिख के दूं कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कॉज पाई बाई टू प्लस एक्स, टेन पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स, सेक पाई बाई टू प्लस एक्स और लास्ट वन
कॉस एक्स पाई बाई टू प्लस एक्स, इनके साथ क्या होगा? तो मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक्स है ना वो बड़ा माइन्यूट वैल्यू होगा, छोटी वैल्यू है, उसका कंसिडरेशन नेग्लिजिबल होता है। तो हम बात किसकी करते हैं, पाई बाई टू पर करते हैं। और अभी अभी हमने कहीं पर लिखा कि पाई बाई टू पर या थ्री पाई बाई टू पर या फाइव पाई टू पर, ऐसे फंक्शंस पर वैल्यू क्या करती है, चेंज करती है। कौन किस में चेंज होता है ये भी आपको यहीं पर क्लियर करा दूंगा मैं। तो इन्होंने कहा कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स यानी कि कहाँ पर है, साइन पाई बाई टू पर। अब उसमें कुछ ऐड हो रहा है और आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, इस तरीके से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो जब ये कुछ ऐड हो रहा है इसमें तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। कहाँ पर, आप पेन की तरफ देखिए ध्यान से, अभी ये यहाँ पर है पाई बाई टू की बात कर रहे हैं, तो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब ये कहाँ पर आ गया, साइन पर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी साइन ही है और साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये चेंज तो होगा, चेंज किस में होगा, चेंज तो एक कॉज में होगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। आगे बात करते हैं, पाई बाई टू पर ही है, कुछ ऐड हुआ यानी कि प्लस एक्स हुआ, तो कहाँ आ गया, यहाँ पर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी कि नेगेटिव होगा, ये बात कन्फर्म हो गई। चेंज किस में होगा, कॉज जो चेंज होता है वो साइन में चेंज होता है, करेक्ट। अब बात करते हैं टेन की, टेन में कुछ ऐड होगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको मालूम है यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, इसका मतलब ये भी क्या होगा, नेगेटिव, ये भी क्या होगा, नेगेटिव, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। टेन किस में चेंज होता है, दैट इज कॉटेक्स, कॉटेक्स किस में चेंज होता है, टेन एक्स, ये किस में चेंज होगा, सेक एक्स किस में चेंज होता है, दैट इज कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स किस में चेंज होगा, सेक एक्स में। और ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कॉसेक भी यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा। अगर इनकी जगह पर, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं, इनकी जगह पर होता साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और इसी तरीके से यहां पर कॉज टेन कॉट सेक और कॉसेक, इनकी बात अगर की जाती तो क्या होता, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। पाई बाई टू में से यहाँ पर होता है पाई बाई टू, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या जा रहा है, वापस इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। बस क्या करना है, आपको साइन चेंज कर देना है। तो साइन की, साइन मतलब फंक्शन चेंज कर देना है, साइन किस में होगा, कॉज एक्स में, ये आपका साइन एक्स, ये आपका कॉट एक्स, ये आपका टेन एक्स, ये आपका हो गया कॉसेक एक्स, और ये सेक एक्स। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पर पाई बाई टू माइनस सब में है, यानी कि सब जगह पाई बाई टू की ही बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए और आगे चलते हैं। अगर ये बात पाई बाई टू की ना होके थ्री पाई बाई टू की होती तो क्या होता, वहाँ पर भी देख लेते हैं। साइन थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स, करेक्ट। तो इसी तरीके से यहाँ पर कॉज टेन कॉट सेक कॉसेक, आई थिंक आपको अंडरस्टूड होगा कि मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सेम वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, वो भी ट्यूटोरियल में। अब हम कहाँ पर हैं, थ्री पाई बाई टू पर। थ्री पाई बाई टू कहाँ पर है, यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो अगर ऐड होगा तो पुश करेगा, ये पुश करेगा कहाँ चला जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ सेक और कॉसेक, सेक और कॉज। इसका मतलब सेक ये रहा, ये पॉजिटिव होगा, और कॉज ये पॉजिटिव होगा, तो बाकी सारे क्या हुए, नेगेटिव। और चेंज तो आपको मालूम ही है, ये किस में होगा, ये सेक एक्स में होगा, ये आपका कॉसेक एक्स में होगा, ये आपका टेन एक्स में होगा, ये आपका कॉट एक्स में होगा, ये आपका साइन एक्स होगा, और ये आपका कॉस एक्स होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा।
चलिए थोड़ा और बात करते हैं, अगर इसकी जगह पर यहाँ पर माइनस होता, क्या होता? माइनस होता। तो माइनस की बात मैं यहीं पर कर लेता हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। तो अगर मैं माइनस की बात करूँ, यानी कि माइनस लगा के बात करूँ, तो माइनस के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं सब में माइनस लगा देता हूँ, तो पाई बाई 3 पाई बाई 2 है, माइनस होगा तो यानी पीछे जाएगा, और अगर पीछे जाएगा तो ये कहाँ पहुँचेगा? टेन कॉट के पास, और टेन कॉट किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये वाले केस में क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव कॉस एक्स, ये आपका होगा नेगेटिव साइन एक्स, ये आपका कॉट एक्स होगा पॉजिटिव, ये आपका टेन एक्स होगा पॉजिटिव, ये आपका सेक एक्स होगा पॉजिटिव, और ये आपका पॉजिटिव नहीं बल्कि ये भी नेगेटिव होगा, मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, ये भी नेगेटिव होगा, दैट इज कॉस एक्स। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए 3 पाई बाई 2 तक कर लिया। अब हम कुछ ऐसे फंक्शन कर लेते हैं जो पाई पर डिपेंड करते हों, जहाँ पर चेंज नहीं होते हों। जो देखिएगा कि अगर ये लिखा हो साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स, तो इसी तरीके से टेन कॉट सेक और कॉसेक। हम साथ में यहाँ पर प्लस के केस में भी करेंगे, और माइनस के केस में भी करेंगे। माइनस के केस में मैं रेड में लिखूंगा और प्लस के केस में माइनस में लिखूंगा। तो सबसे पहले पाई माइनस एक्स है, तो पाई कहाँ पर होता है? यहाँ पर। इसमें से कुछ माइनस हुआ, माइनस होने पर कहाँ पहुँचेगा? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन और कॉसेक। तो साइन ये रहा, इसके सामने पॉजिटिव लगा दीजिए, और कॉसेक इसके सामने पॉजिटिव लगा दीजिए। और इंटरेस्टिंग बात, अभी आपको दिख रहा है पाई, और पाई पर मैंने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो साइन क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, यानी कि क्या रहेगा? साइन एक्स। इसका क्या होगा? कॉज ही रहेगा। इसका क्या होगा? ये टेन ही रहेगा, ये आपका कॉट एक्स ही रहेगा, ये सेक एक्स ही रहेगा, और ये आपका कॉसेक एक्स ही रहेगा। बस साइन चेंज होगा। क्या साइन चेंज होगा? मैं यहाँ पर क्योंकि माइनस के लिए बात कर रहा था, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये प्लस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ब्लू वाले साइन की बात। तो उसमें क्या हो रहा है? पाई पर प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब कहाँ आ गया? इस क्वाड्रेंट में आ गया, और इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ टेन कॉट। कौन पॉजिटिव होता है? टेन कॉट। तो टेन कॉट के लिए बात करते हैं, आई होप आपको समझ आएगा। तो सिर्फ टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन आपका ये रहा, तो ये पॉजिटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा, तो बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और ये बात भी आपको क्लियर है कि चेंज नहीं होते, तो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये आपका साइन रहेगा, ये आपका कॉज रहेगा, ये आपका टेन, ये कॉट, ये सेक, और ये कॉस है। तो इसी तरीके से आप 2π- और 2π+ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, अभी और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उनको भी हमें बात करनी है। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज तो हमें बात करनी ही चाहिए, और वो क्या होंगे देखते हैं। अब आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, सिंपल जो आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट आइडेंटिटी है वो हमें पता होनी चाहिए, और वो मैं लिखता हूँ फर्स्ट नंबर पर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिमिलरली कॉट स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैं मानता हूँ कि ये एक ही टाइप की आइडेंटिटीज़ होती हैं, और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। चलिए दूसरी आइडेंटिटी पर जाते हैं। मैं सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ कराऊंगा यहाँ पर, सारी नहीं कराऊंगा, तो आप समझ जाइएगा।
दूसरी आइडेंटिटी अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम होगा साइन ए प्लस बी, और वो क्या होती है, वो होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर सर यहाँ पर माइनस हो जाए तो क्या होगा, जिस दिन यहाँ पर माइनस होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो अगर सर यहाँ पर कॉस ए प्लस बी हो तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा सर, तो यहाँ पर अगर माइनस आए तो क्या होगा, तो प्लस का साइन होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये आइडेंटिटी एक टाइप की है, यानी कि इनको एक ही साथ याद करना है। अच्छा सर, ये आइडेंटिटी है, समझ में आ गया। और किस टाइप की आइडेंटिटी हो सकती है, तो मैं आपको कुछ और दो चार इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ और बताऊंगा। तो उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, छोटी मोटी चीज़ें, और वो क्या हैं, वो ये हैं कि कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो तो आप उसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स तो आप इसको साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर ये साइन के बारे में ही बात नहीं है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी पर डील करता है, यानी कि किस पर डील करता है, इस पर डील करता है, स्क्वायर्स या क्यूब या पावर जो भी लगती है वो इसी मेथड्स पर लगती है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। चलिए, दो और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, और वो क्या है, यानी कि फॉर्मूला है, वो क्या हो सकता है, आपने अभी अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, दो फॉर्मूलाज पढ़े। तो मैं आपको अगर कहूँ कि सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दोबारा लिखिए, तो मैंने कहा चलिए लिख देते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सर माइनस वाला भी लिख दीजिए, तो मैंने कहा देखिए साइन ए माइनस बी, तो यहाँ क्या आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब एक बात बताइए कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, जिस दिन मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या होगा, आपको मालूम है इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, और ये आपका आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दैट इज टू टाइम्स साइन ए कॉस बी। यानी कि ये भी एक आइडेंटिटी बनकर तैयार हो गई, यानी कि टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अच्छा सर, आपने ये प्लस किया तो ये आया, अगर आप माइनस करते तो क्या होता, तो बड़ा क्लियर सी बात है, जिस दिन मैं माइनस करता तो यहाँ क्या हो जाता, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और माइनस करने पर दिस माइनस दिस होता और यहाँ पर प्लस का साइन आता, तो इससे ये वाला कैंसिल होता, ये वाला बचता, तो ये होता टू कॉस ए साइन बी। तो ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी बनती है। सर इसका मतलब तो ये भी है कि अगर मैं इसको नीचे वाले को यूज़ करूँ तो क्या होगा, तो मैंने कहा चौथा यानी फोर्थ देखिए कि अगर लिखा होता ये कॉस ए प्लस बी, जो कि होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और दूसरा वाला भी मैं लिख देता हूँ दैट इज़ माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या होगा सर, इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर आएगा आपका दैट इज़ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, इससे ये कैंसिल होगा ऐसे,
और यहाँ पर आएगा टू कॉज ए कॉज बी। अच्छा सर, माइनस होता तो क्या होता? तो माइनस होने पर ये एक और आइडेंटिटी बनती, दैट इज कॉज ए माइनस बी। और ये अब माइनस कर रहे होते तो ये माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, ये कैंसिल हो जाता, ये माइनस माइनस होके टू साइन ए साइन बी मिल जाता। तो दो आइडेंटिटी आपको यहाँ से मिलती है। तो मैं आपको फॉर्मूला रटवा नहीं रहा हूँ, आपको मैं याद करना बता रहा हूँ, सॉल्व करना है कि किस तरीके से फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे। चलिए, आपने ये आइडेंटिटीज़ कर ली। इनके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो मैं कुछ एक आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत यूज़ की हैं। जैसे कि आइडेंटिटी नंबर 5, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि साइन 2a क्या होता है, और वो आपका होता है टू साइन ए कॉज बी, टू साइन ए कॉज बी। अच्छा सर, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या इसका? मैंने कहा हाँ, टेन की फॉर्म में होता है, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। टू टेन ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट सिर्फ किसकी है? इसकी। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो क्या कॉज 2a का भी होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है, और वो क्या होता है? टू कॉज स्क्वायर ए माइनस वन। एक और होता है इसका टू साइन स्क्वायर ए, एक और होता है दैट इज कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तीनों ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का ही यूज़ किया जाता है। मैं आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे एक बार में भी लिखा रहा हूँ, और साथ के साथ भी क्वेश्चन के साथ लिखाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि फॉर्मूला कैसे कैसे यूज़ होना है और कौन सा फॉर्मूला उस क्वेश्चन में यूज़ होना है। सर, इसका कोई और भी होता है? तो मैंने कहा एक और भी होता है, दैट इज़ 1 माइनस 10 की फॉर्म में होता है। एक्चुअली इसको लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इस तरीके से वो फॉर्मूला होता है। अच्छा सर, और क्या होता है? तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यानी फॉर्मूला नंबर 6 क्लियर कर दूँ। अगर कहीं पर लिखा हो साइन 3 ए, क्या लिखा हो? साइन 3 ए। अगर साइन 3 ए की बात है तो ये 34 नंबर की बस से आता है, तो वो क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और अगर सर ये होता कॉज 3 ए, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, 43 नंबर की बस से आता है, 4 कॉज क्यूब ए माइनस 3 कॉज ए। ये आपकी दो आइडेंटिटी यहाँ से मिली। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कितनी सिंपलेस्ट आइडेंटिटी है। एक और आइडेंटिटी मुझे याद आती है, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ, कि अगर कहीं लिखा हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो वो होता है आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो आई होप कि ये आपकी जो 7 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं ये आपको क्लियर हों। इनके अलावा कोई ख़ास आइडेंटिटीज़ नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो वो दो चार और हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं यहीं पर लिखाता हूँ। देखिएगा, एक 8th आइडेंटिटी, 10 की फॉर्म में 10 ए प्लस बी, तो ये होता है आपका 10 ए प्लस 10 बी अपॉन में 1 माइनस 10 ए और 10 बी। आई होप क्लियर होगा आपको ये। अगर ये माइनस होता तो क्या होता? तो मैंने कहा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, ये आपका कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता, प्लस की जगह पर क्या आता? माइनस हो जाता, और माइनस की जगह पर प्लस हो जाता, इससे आपका काम बन जाता। तो आई थिंक यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर, और कोई भी आइडेंटिटी हो सकती है इसकी? अगर हम फिगर आउट करें कि कोई और आइडेंटिटी हमारी हेल्प करेगी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, तो सर ऐसा कोई ख़ास और आइडेंटिटी नहीं है जो आपकी हेल्प करे इसमें। तो ऑलमोस्ट आपकी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर ख़त्म नहीं होती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, एक और आइडेंटिटी जाते जाते और देख लेते हैं आज के लिए, दैट इज़ आइडेंटिटी नंबर 9, कि अगर कहीं पर हो साइन ए प्लस साइन
बी, तब क्या होगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, उस केस में क्या होगा, ये होगा 2 sin ए प्लस बी बाई 2 और cos माइनस बी बाई 2। तो आपको क्लियर हो गया आई थिंक।